subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sarabdas Sattar Khan 1.1 Being Neighborly. ये इसके हमने आइस ब्रेकर्स इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं. अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, इसकी लेखिका कौन है, और उसके बाद में हम इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे. हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. इसे लिखा है लुइजा मे एलकॉट ने. ये 1832 में पैदा हुई और 1888 में इनका इंतकाल हुआ. एन अमेरिकन राइटर इन द मिड ऑफ टू लेट 19th सेंचुरी. ये अमेरिकन राइटर है, लेखिका है. इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर्स. ये सबसे पहली फेमिनिस्ट यानी ख़वातीन राइटर्स में से एक है. आउट ऑफ द सेवरल बुक्स शी रोट, हर सीरीज़ बिगिनिंग विथ लिटिल वुमन हैज़ बीन ह्यूजली पॉपुलर अमंग द मासेस एंड क्रिटिक्स अलाइक्स फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ. उनकी सबसे मशहूर जो किताब है वो लिटिल वुमन है. हर सिंपल स्टाइल एंड लिवली कैरेक्टर्स हैव लेफ्ट अ मार्क एंड इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट अलाइक. द सेटिंग ऑफ हर बुक्स इज द सबर्ब ऑफ बोस्टन. हर वर्ल्ड व्यू इज होलसम एंड फुल ऑफ बिलीवेबल येट चार्मिंग कैरेक्टर्स विच कैप्टिवेट्स द रीडर्स. उनकी जो लिखने का स्टाइल है वो बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आता है. सादगी से लिखती है और बोस्टन के अतराफ के इलाके के जो किरदार है वो एक हिस्सा बन जाते हैं. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम लिटिल वुमन फर्स्ट पब्लिश इन 1868. अब ये जो लिया गया पैराग्राफ है ये लिटिल वुमन से लिया गया है जो 1868 में शाये हुई थी. दिस स्टोरी ऑफ फोर सिस्टर्स. अब ये जो कहानी है ये चार बहनों की कहानी है. मैग, जो, बेथ एंड एमी. देयर फ्रेंड लॉरी, देयर वाइस एंड लिविंग पेरेंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन्स लिविंग इन अ सबर्ब ऑफ अ सिटी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ रीडर्स यंग एंड ओल्ड अलाइक. अब ये जो कहानी है ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका के सबर्ब की है. ईच कैरेक्टर इज रियल एंड डिस्टिंक्टिव. हर कोई किरदार जो है वो रियल है और डिस्टिंक्टिव है. वी रिमेन फर्मली विद द सिस्टर्स थ्रू ऑल देयर स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रायम्फ्स एंड जॉयज. और हम जुड़े रहते हैं इन बहनों के साथ में जब वो जद्दोजहद करती है, लड़ती है, जीतती है, खुशी के लम्हात गुजारती है. इट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट टू अस इन ऑल द फेजेस ऑफ आवर लाइफ्स. अब इसमें हमारे लिए ज़िंदगी में एक मशाल राह बनने वाली ये तमाम कहानी है. द एक्सट्रैक्ट अफोर्ड्स अस अ टैंटलाइजिंग ग्लिम्प्स इनटू द बुक एंड नरेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन जो, द ब्राइटेस्ट एंड द लिवलीस्ट ऑफ फोर सिस्टर्स, एंड लॉरी, देयर वेल्दी न्यू लेबर. द मार्च गर्ल्स एंड लॉरी बिकेम बेस्ट बडीज एंड मच मोर एज द बुक प्रोग्रेस. यानी इसमें जो और लॉरी की जो दोस्ती है उसके बारे में बयान किया गया है. और जो और लॉरी की जो दोस्ती है वो सिर्फ सादी दोस्ती नहीं है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है. बीइंग नेबरली यानी पड़ोस में रहने के बाद में कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ में आती है. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ. अब यहाँ एक सवाल पूछा जाता है जो से मैग पूछती है कि तुम दुनिया में ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो. मैग पूछती है, किससे पूछ रही है, जो से. आस्क्ड मैग वन स्नोई आफ्टरनून. ये एक बर्फबारी की दोपहर है. एज हर सिस्टर केम ट्रैम्पलिंग थ्रू द हॉल इन रबर बूट्स. जो मैग की बहन है जो, वो क्या कर रही है, अपने रबर बूट पहनकर वो तेज़ी से वहाँ पर आ रही है. रबर बूट्स पहनकर, ओल्ड सैक एंड हुड. अब उसमें क्या है, ओल्ड सैक है. सबसे पहले जान लीजिए नेबरली क्या है. नेबरली ये अमेरिकन राइटिंग इंग्लिश में इसका स्पेलिंग अलग आता है और ब्रिटिश स्पेलिंग में अलग आता है. यहाँ ओ आर एल वाई है, उसमें ओ यू आर एल वाई आता है. ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पलिंग वॉकिंग विथ स्लो हेवी स्टेप्स. सैक, इन्फेंट शॉर्ट जैकेट विथ अ हुड. यानी एक छोटा सा जैकेट है जो जो ने पहन रखा है. विथ अ ब्रूम इन वन हैंड एंड अ शोवेल इन द अदर. अब उसने एक हाथ में क्या रखा है, झाड़ू पकड़ रखी है और दूसरे में एक शोवेल है.
गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, अब वो क्या कहती है, मैं बाहर एक्सरसाइज करने के लिए जा रही हूँ। आंसर जो विद अ मिसचीवियस ट्विंकल इन हर आइज, मिसचीवियस शरारती, एक शरारती उसकी आंखों में चमक है जो नज़र आ जाती है मैक को। आई शुड थिंक टू लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन इनफ, अब वो क्या कहती है कि दो लॉन्ग वॉक के लिए तुम गई थी, ये काफ़ी हो जाती है। इट्स कोल्ड एंड डल आउट, बाहर सर्दी है और डल है मौसम। एंड आई एडवाइस यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर, और मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, कौन कह रही है, मैक कह रही है, किसे कह रही है, जो को कह रही है कि मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम अपने आप को गर्म रखो और आग के पास जाकर सेको, एज आई डू, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सेड मेग विद अ शिवर, मैग ने कांपते हुए कहा। नेवर टेक एडवाइस, कांट कीप स्टिल ऑल डे, एंड नॉट बींग अ पसी कैट, आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर, आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम। अब यहाँ पर जो जवाब देती है कि मैं कोई मशवरा कबूल नहीं करती हूँ और मैं एक जगह नहीं रह सकती, किसी बिल्ली की तरह जो एक जगह पड़ी रही सुस्ताती रहती है, मैं आग नहीं सेंक सकती, मुझे एडवेंचर पसंद है और मैं बाहर जा रही हूँ। मैग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड इवान हो, अब मैग ने क्या किया, मैग ने वहाँ से वो निकल गई और अपने पैर सेकने के लिए वो चली गई और एक चीज़ पढ़ रही थी, वो इवान हो। इवान हो क्या है, अ हिस्टोरिकल नावल बाय वॉल्टर स्कॉट पब्लिश्ड इन 1820, ये 1820 में पब्लिश हुआ एक हिस्टोरिकल नावल था जिसे वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। एंड जो बिगैन टू डिग पाथ्स विद ग्रेट एनर्जी, तो जो क्या करने लगी, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आगे बढ़ने लगी। द स्नो वॉज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट पाथ ऑल राउंड द गार्डन फॉर बेथ टू वॉक इन वेन द सन कम आउट एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। इनवैलिड डॉल्स क्या है, द डॉल्स विथ ब्रोकन लिम्स विच बेथ लव्ड। अब यहाँ पर क्या है, जो स्नो है यानी बर्फबारी हो रही थी, बहुत ही हल्की हल्की हो रही थी, और जो ने क्या किया था, उसने हाथ में झाड़ू पकड़ रखी थी, रास्ता झाड़ते हुए गार्डन से गुजर रही थी। फॉर बेथ टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। अब जो टूटे हुए पाँव की गुड़िया होती है, जिसके ब्रोकन लिम्स है, जिसे बेथ पसंद करती है, उनके लिए वो रास्ता बना रही थी। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस, अब जो बाग था उसने क्या किया था, चलने वाले रास्ते को साफ कर दिया था। हाउस फ्रॉम द डेट ऑफ मिस्टर लॉरेंस, जो मिस्टर लॉरेंस के घर के बाजू में था, उसे वो मुनकसिम कर रहा था, बाट दे रहा था। बोथ स्टूड इन अ सबर्ब ऑफ द सिटी, दोनों भी एक मुजाफाती इलाके में खड़े थे जो सिटी से बाहर का था। सबर्ब ये शहर के बाहर का जो इलाका होता है उसे कहते हैं। विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक विथ ग्रूज एंड लॉन्स, लार्ज गार्डन्स एंड क्वाइट स्ट्रीट्स, जो एक किसी देहात के जैसा ही लग रहा था, जहाँ पर बड़े बड़े बागीचे थे, लॉन्स थे, बड़े गार्डन थे और खामोश सड़कें थी, गलियाँ थी। अ लो हेज पार्टेड द टू स्टेट्स, अब ये जो एक लो हेज किसे कहते हैं, अ रो ऑफ बुशेज प्लांटेड क्लोज टुगेदर टू सेपरेट द पीस ऑफ लैंड फ्राम वन अनदर, यानी दोनों तरफ से जो छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाई जाती है वो क्या करती है, ज़मीन के उस टुकड़े को बांट देती है, जैसा कि खेत के पास लगाई जाती है ना मुंडेर, उस तरीके से। ऑन वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस लुकिंग रादर बेर एंड शैबी, एक तरफ एक पुराना ब्राउन हाउस था जो थोड़ा सा ख़राब हालत में लग रहा था। Robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it, अब वो ऐसा हालत हो गई थी कि उसे किसी ने देखा ही नहीं, चाहे वो समर हो विंटर हो, कभी मौसम खाया हुआ लग रहा था, उसकी दर दीवार पर फूल और पत्तियाँ उगाई थी। On the other side was a stately stone mansion
plainly betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. अब दूसरी तरफ एक बहुत ही betokening, a sign of something, एक बहुत ही बेहतरीन mansion यानी महल जैसा हवेली नुमा एक घर था, जहाँ पर सब कंफर्ट यानी आराम एंड लग्जरी और ऐश का सामान मुहैया था. वो बहुत बड़ा कोच हाउस भी था, उसके सामने का जो ग्राउंड था वो बहुत ही बेहतरीन था, और वहाँ पर एक कंजर्वेटरी थी. कंजर्वेटरी क्या होती है? ग्लास रूम आउटसाइड द हाउस यूज्ड फॉर ग्रोइंग डेलिकेट प्लांट्स, यानी जहाँ पर कुछ नन्हे पौधे जो उगाए जाते हैं उसके लिए रहता है. और वहाँ पर रिच कर्टेंस यानी बड़े बड़े बेहतरीन पर्दे लगाए गए थे. येट इट सीम्ड अ लोनली लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस, इसके बावजूद वो अकेला और बेज यानी लाइफलेस यानी मुर्दा घर नज़र आता था. फॉर नो चिल्ड्रन फ्रोलिक्ड ऑन द लॉन, जहाँ पर कोई भी बच्चे लॉन पर नज़र नहीं आते. नो मदरली फेस एवर स्माइल्ड एट द विंडोज़, और कोई भी खिड़की से किसी का चेहरा नज़र नहीं आता. एंड फ्यू पीपल वेंट इन आउट एंड आउट के एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन, कुछ लोग अंदर जाते और बाहर आ जाते, और वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स अपने पोते के साथ आता हुआ नज़र आता. द जोज लिवली फैंसी दिस फाइन हाउस सीम्ड अ काइंड ऑफ एनचैंटेड पैलेस फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट्स विच नो वन एन्जॉयड. लेकिन जो कि जो ख्वाहिशा थी वो उसे इस साफ सुथरे घर की तरफ ले जाती, और वो इससे निहारती रहती. उसकी खुशबुओं से और रोशनाई से वो बहुत ज़्यादा महजूज होती, खुश होती. शी हैड लॉन्ग वांटेड टू बिहोल्ड दीज हिडन ग्लोरीज एंड टू नो द लॉरेंस बॉय हु लुक्ड एज इफ ही वुड लाइक टू बी नोन इफ ही ओनली न्यू हाउ टू बिगिन. शायद वो उसकी झलक पाकर, ऐसा लगता है कि वो उसकी झलक पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती. उसकी हिडन ग्लोरीज यानी उसकी छुपी हुई जो खुशियाँ हैं उनको. अब फैंसी क्या होता है? ये इमेजिनेशन यानी तसव्वुर में. हिडन ग्लोरीज क्या है? द ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव थिंग्स डैट वेयर प्रोबेबली इन द हाउस, यानी जो बहुत ही पुरतईश चीज़ें जो घर में रखी जाती है, खूबसूरत चीज़ें उसे कह सकते हैं आप. तो वो उसे सब देखना चाहती थी और लॉरेंस बॉय को देखना चाहती थी, जो ऐसा लगता है कि शायद वो कि सब उसे जानते हो या फिर उसे नहीं जानते हो, और वो जानने की कोशिश की शुरुआत करना चाहती थी. सिंस द पार्टी शी हैड बीन मोर ईगर दैन एवर एंड हैड प्लान्ड मेनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम, बट ही हैड नॉट बीन सीन लेटली एंड जो बिगैन टू थिंक ही हैड गॉन अवे. When she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. अब वहाँ पर क्या नज़र आ रहा था? Wistfully यानी longingly, snowballing hitting one another with balls made of snow, यानी बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे से खेलना. तो इस तरीके का जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि शायद वो वहाँ से चला गया हो, और जो कोशिश कर रही थी कि उसे किस तरीके से पेश आए. डेड बॉय इज़ सफरिंग फ्रॉम सुसाइटी एंड फन, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने सोचा कि शायद वो लड़का अपने आप से जूझ रहा है और वो सोसाइटी यानी समाज से और मज़े से दूर रहना चाहता हो. हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट अप ऑल अलोन, और उसके दादा जान हमेशा उसे उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए अच्छा रखने की कोशिश करते हैं और उसे अकेला ही रखते हैं. ही नीड्स अ पार्टी ऑफ जॉली बॉयज टू प्ले विथ और समबडी यंग एंड लिवली. आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, उसे कुछ नौजवान लड़कों की ज़रूरत थी जिनके साथ वो खेले और अपने ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त को गुजारे. मुझे शायद उस शरीफ आदमी के पास जाना चाहिए और उसे ये तमाम चीज़ें बताना चाहिए. यानी कौन सोच रहा है? ये जो सोच रही है. द आइडिया अम्यूज्ड जो, हु लाइक टू डू डेयरिंग थिंग्स एंड वॉज अनवेज स्कैंडलाइजिंग मेक बाय हर क्वीर परफॉर्मेंसेस.
और ये जो आवा जो ये जो मंसूबा था इससे तो जो हैरान हो गई, वो हमेशा इस किस्म की डेयरिंग काम करने की कोशिश करती थी और हमेशा वो स्कैंडलाइजिंग यानी शॉकिंग और हरिफाइंग समवन किसी किसी को डरा दिया करती थी। ख़ास तौर पर मेग को बाय हर क्वीर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस की वजह से द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वॉज नॉट फॉरगटन। वो जो मंसूबा था जो वहाँ पर जाने का, वो भुलाया नहीं जा सका। एंड व्हेन द स्नोवी आफ्टरनून केम, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन, जब दोपहर का वक्त हो गया तो जो ने तय किया कि अब क्या किया जाना चाहिए, शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ एंड देन सैलीड आउट टू डिग हर वे डाउन टू हर टू द लेज एंड टू द हेज वेयर शी पॉज्ड एंड टुक टुक अ सर्वे। वो जब वहाँ से गई, सैलीड सेट आउट फ्रॉम अ प्लेस टू डू समथिंग, यानी वो कुछ काम करने के लिए निकले, और जब वो उस हेज के किनारे गए तो थोड़ी देर के लिए रुक गई और उसे देखने लगी, सर्वे करने लगी। ऑल क्वाइट कर्टेन्स डाउन एट द लोअर विंडोज, सर्वेंट्स आउट ऑफ साइट एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट अ क्योरली ब्लैक हेड लेनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो। अब वहाँ पर एक काला हाथ नज़र आ रहा था, कोई नौकर नज़र नहीं आ रहे थे, किसी इंसान की कोई परछाई नज़र नहीं आ रही थी, और वो ऊपर विंडो के पास उसको सिर्फ एक हाथ ही नज़र आ रहा था। देयर ही थॉट जो, जो ने समझा कि वो वहाँ पर है। पुअर बॉय, बड़ा गरीब लड़का है, मासूम लड़का है, ऑल अलोन एंड सिक दिस डिसमल डे, अकेला है और बीमार भी है। इट्स अ शेम, बड़ी शर्म की बात है। आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट एंड देन सी ए काइंड वर्ड टू हिम। मैं एक बर्फ़ का गोला बनाऊंगी और उसे फेंक कर मारूंगी और उससे कुछ बात करूंगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा